पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के भारत आने का मामला अभी सुर्खियों में ही था कि वहीं एक और प्यार के पंछी की कहानी ने तूल पकड़ ली। इस बार महिला पाकिस्तान से भारत नहीं बल्कि भारत से अपने प्यार को पाने पाकिस्तान पहुंची प्रेम दीवानी अंजू। अब इस लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी सीमा हैदर के बाद अंजू की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अंजू का जन्म उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव में हुआ था और वो राजस्थान के अलवर में रहती थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि अंजू एक शादीशुदा महिला है और उसके दो बच्चे भी हैं, जिनको छोड़कर भारत से पाकिस्तान पहुंच गई। नसरुल्ला और अंजू की दोस्ती साल 2020 में फेसबुक के जरिए हुई थी। अंजू ने यह भी बताया कि मैं नसरुल्ला को 3 सालों से जानती हूँ। पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई, फिर एक दूसरे का नंबर लेकर व्हाट्सएप से बातचीत होना शुरू हो गई, जिसकी जानकारी मैंने पहले ही अपनी माँ और बहन को दे दी थी। आपको बता दे कि अंजू के पति का नाम अरविंद है। अंजू राजस्थान भिवाड़ी में ही अपने पति के साथ रहती थी। अंजू के पति ने उम्मीद जताई थी कि अंजू जल्दी वापस आ जाएगी। अरविंद ने कहा था कि उनकी पत्नी गुरुवार को जयपुर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि वो पाकिस्तान पहुंच गई है। अंजू अपने प्रेमी से मिलने के लिए भारत का बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। हालांकि अंजू वैध तरीकों से पाकिस्तान गई है, उसके पास से वीजा भी पाए गए हैं। आपको बता दे कि 25 जुलाई को नसरुल्ला और अंजू ने कोर्ट में शादी की है, जिसके बाद अंजू ने अपना ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिया है। यहाँ तक उन्होंने अपना नाम अंजू से फातिमा कर लिया है। दोनों की शादी के बाद उनका पहला वीडियो सामने आया। दोनों एक दूसरे को प्यार जताते हुए नजर आए और उस वीडियो में गाना भी सुना जा सकता है, दिल तो मासूम है दिल तो नादान है। जहां एक तरफ अंजू और नसरुल्ला की शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, वहीं अंजू और नसरुल्ला इन बातों को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सिर्फ दोस्त है, उनका शादी का कोई इरादा नहीं है। नसरुल्ला की ओर से पाकिस्तान पुलिस को दिए गए एफिडेविट के अनुसार नसरुल्ला ने अंजू के साथ अपनी दोस्ती में प्रेम जैसी बातों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम दोनों के बीच में कोई भी प्रेम संबंध नहीं है। वहीं अंजू का कहना है कि वो जल्द ही भारत वापस आ जाएंगी। मैं सिर्फ घूमने आई हूँ, मैंने सभी लीगल फॉर्मेट्स को फॉलो किया है और ये जो कुछ भी हुआ है एक प्लानिंग है और तैयारी के साथ किया गया है। यहाँ तक अंजू ने मीडिया वालों से रिक्वेस्ट भी की कि वो मेरी फैमिली को परेशान ना करे, मैं बहुत जल्द ही पाकिस्तान से भारत आ जाऊंगी। फिलहाल अभी अंजू पाकिस्तान में नसरुल्ला के घर पर पूरी सुरक्षा के साथ रह रही हैं। तो दोस्तों, सीमा हैदर के बाद अंजू के इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दैनिक राजीव को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में लगा बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अब मिलते हैं अगली एक ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ।